इंदौर में गर्लफ्रेंड को लेकर चचेरे भाइयों में चाकूबाजी की घटना सामने आई है। दरअसल मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र के बीना पैलेस कॉलोनी का है, जहां जीवन नामक युवक पर चचेरे भाई सुंदर ने गले पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि जीवन एक महिला मित्र से बात करता था, जिसको सुंदरलाल पसंद करता था। सुंदर ने पहले भी युवती से जीवन को बात करने से मना किया था। इसी बात को लेकर आक्रोश में आकर विवाद के चलते सुंदर ने जीवन पर चाकू से हमला कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये जीवन चरपटा करके लड़का है, जो मीना पैलेस में आजाद नगर में रहता है। इसका मामा का लड़का है सुंदर डाबर। ये सुंदर की कोई गर्लफ्रेंड है, तो सुंदर से जीवन ने बोला कि तू उससे बात मत किया कर। तो उसको जीवन से कि तू मेरे बीच में क्यों आ रहा है। इस बात को लेकर इनका परसों रात विवाद हुआ और उसने चाकू निकाला इसने सुंदर ने, और जीवन के गले में दो जगह उसने वार किए। तो अभी तो एडमिट है, शायद उसका ऑपरेशन होगा और मुजरिम की तलाश जारी है। आपस में भाई है, सगे मामा बुआ के बेटे हैं, मतलब जो फरियादी है वो उसका बुआ का बेटा है। ये घटना आजाद नगर में ही है, इलाके की है। अभी तो कोई नहीं मिला है अभी, और एक बार दिखवा रहे हैं जहाँ पर ये लोग रहने वाले महू के पास के। अभी घायल पहले प्राइवेट हॉस्पिटल गया था, लेकिन कुछ पैसे की स्थिति उनके है नहीं खर्च करने की। ऑपरेशन डॉक्टर बता रहे हैं कि श्वास नली में कट है कुछ, तो थोड़ा लग रहा है स्थिति अभी तो खैर ठीक है, लेकिन ऑपरेशन होगा उसका। अब ये अब आपस का युवती होंगे कुछ नहीं बोल सकते कि दोनों आपस में विवाद किए हैं कि भाई तुम बात क्यों करते हो, तुम मत करो, उसका तो रोल कुछ नहीं है इसमें भी। इंदौर की खजराना पुलिस ने मामूली विवाद में वकील पर चाकू से जानलेवा हमले करने वाले आरोपी को शुजालपुर से गिरफ्तार कर लिया है। फारूकी चौराहे पर नमाज पढ़कर निकले एडवोकेट साजिद अली घर जा रहे थे, इसी दौरान एक ऑटो चालक कट मारने की बात को लेकर उनका विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि गुस्साए ऑटो चालक तबरेज ने चाकू निकालकर एडवोकेट पर जानलेवा हमला कर दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये घटना 4 तारीख को हुई थी, जिसमें कि एक एडवोकेट साजिद अली नमाज़ पढ़ के अपने घर तरफ जा रहे थे और एक ऑटो से कट लगने की बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था और गाली गलौज तक पहुंचा। उसके बाद उसमें आरोपी तबरेज ने उनके ऊपर चाकू से जानलेवा हमला किया था। उस पर पुलिस ने धारा 307 का प्रकरण पंजीबद्ध किया था। आरोपी की हम लोग तलाश लगातार कर रहे थे और उसकी तलाश में हम लोगों ने 2 टीम बनाई थी, क्योंकि वो ऑटो चालक था, अपना ऑटो लेके भाग गया था। और उसके लिए तलाश में हम लोगों ने देवास, नेमावर, शाजापुर और शुजालपुर 4 जगह भी हम लोगों ने तलाश की। शुजालपुर में भी उसकी लोकेशन मिली थी, वहाँ पर वो जंगलों तरफ भाग गया था, किसी पेड़ वेड़ पर चढ़ गया था, वहाँ से उसको पकड़ा। कूदने से उसको चोटें भी आई है हाथों पैरों में, और उसका मेडिकल करवा के और उसको घटनास्थल का हम लोगों ने वेरिफिकेशन करवाया। उसको आत्मग्लानी भी है और उसको उस बात का पछतावा भी है उसने जो किया, और उसको हम लोगों ने न्यायालय पेश किया और जेल। नहीं, इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, नहीं इसके खिलाफ़ कोई आवेदन भी है, और दूसरी बात नहीं ये कोई नशा करता है। ये जो घटना हुई तत्कालिक आवेश में, वो गाली गलौज के कारण जो सुनने में जो बुरी लगी उस टाइप से उसको परिणति में हुई है, और उसने इस बात के लिए माफ़ी मांगी कि जो 5 सेकंड का उसने गुस्सा किया उसके कारण उसे कई जिंदगी वक्त ख़राब हो गई। तो इस बात का उसको पछतावा भी है, और युवाओं से यही संदेश है कि थोड़ा सा आवेश में आके वो अपना जीवन ख़राब कर लेते हैं। हाँ, घटनास्थल का हम लोगों ने तस्दीक करवाया और वहाँ पर उसने माफ़ी मांगी। सर, हाँ, उसने अपने बाल छोटे भी करवा लिए हैं, उसके अलावा उसने पुलिस से बचने के लिए काफ़ी मंकी के पहन के और सब तरह से उसने कोशिश की, लेकिन पुलिस की नज़रों से बच नहीं पाया वो, हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। इंदौर की थाना सेंट्रल कोतवाली पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां सेंट्रल कोतवाली पुलिस ने गुजरात से आए एक नाबालिग 10 साल के बच्चे को उसके परिजन को सुरक्षित लौटाया। दरअसल सेंट्रल कोतवाली पुलिस को रविवार शाम को सूचना मिली कि संजय सेतु कलाली के पास 10 साल का बच्चा घूम रहा है। बच्चे से जाकर पूछताछ की तो उसने अपना नाम अजान, पिता अल्ताफ, उम्र 10 साल, दाहोद गुजरात का रहने वाला बताया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों से संपर्क कर बच्चे को उसकी मौसी को सौंप दिया। एक बच्चा मिला कल शाम को संजय सेतु कलाली के पास, क्योंकि वहाँ चेकिंग पॉइंट रहता हमारा संजय सेतु का, तो वहाँ पे पुलिस स्टाफ थाना लेकर आई थी, जिसे पूछताछ करने पर उसने अपने घर का पता गुजरात का बताया था, लेकिन कंप्लीट एड्रेस उसे भी नहीं मालूम था, ना ही कॉन्टैक्ट नंबर था। जिसे पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके पिताजी ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, और गुजरात से इंदौर ट्रक लेकर आते हैं। जिस आधार पर देवास नाका जो ट्रांसपोर्ट है वहाँ पर संपर्क किया गया और लोहा मंडी रावजी बाजार क्षेत्र में पता किया, जिसके आधार पे इसका कांटेक्ट वहाँ का तो नहीं, गुजरात का तो नहीं, परंतु ये पता चल पाया था कि खजराना में इसके रिश्तेदार रहते हैं। फिर थाना खजराना को सूचित किया गया था,
और हुलिया बताए हुलिया के अनुसार पूछताछ करते फिर जानकारी प्राप्त हुई। तो इसके खाला मतलब मौसी यहाँ रहती हैं खजराना में, जिन्हें सूचित किया गया और फिर सही सलामत उनके सुपुर्द किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, पहले वीडियो कॉलिंग के थ्रू क्लियर किया गया था, तस्दीक की गई थी प्रॉपरली, उसके बाद ही इसके मौसी को सुपुर्द किया गया था। बच्चे की माँ, बच्चे के माता पिता दोनों से क्लियर किया गया था वीडियो कॉलिंग के थ्रू, उसके बाद ही मौसी को सुपुर्द किया गया था। इंदौर क्राइम ब्रांच को सिंडिकेट गोलीकांड के आरोपी हेमू ठाकुर को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। आरोपी सेवादार की मदद से महिला मित्र के साथ शहर में ही रहकर फरारी काट रहा था। गोलीकांड के बाद हेमू ठाकुर नेपाल भाग गया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनाम भी घोषित किया था। यही इंदौर में फरारी काट रहा था, असुड़िया क्षेत्र में एक सुनसान कॉलोनी में यहाँ पे रह रहा था, और क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है इसको काफ़ी समय से इस पर काम कर रहे थे और इसको हमने जो है ट्रैक करके इसको वहाँ से जो है पकड़ा है, और इसको क्योंकि विजयनगर से फरार रही है तो विजयनगर की टीम के साथ ही उन्होंने जो अपना योगदान दिया है, और आगे की जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो विजयनगर की टीम करेगी। तो पूर्व से इनाम घोषित है और वो जितने भी क्राइम ब्रांच की टीम मेम्बर्स हैं उनको इनाम उसमें दिया भी जाएगा। निश्चित ही मुखबिर की सूचना पर ये कार्रवाई हुई है, मुखबिर हमें अच्छा मुखबिर मिल गया था और उसके माध्यम से जो हमें जानकारी मिली उसमें ये अपने एक सेवक के साथ में और अपने कुछ अपने महिला मित्र के साथ में ये एक वहाँ मकान में रुका हुआ था, और ये जैसा हम प्रारंभिक पूछताछ में आया है लगभग 3-4 महीने से ये उसी क्षेत्र में था ये, और जो है आगे की विस्तृत पूछताछ जो है और जो घटना के संबंध में पूछताछ है वो आगे विजयनगर थाने पे। यहाँ से भाग के नेपाल गया था ये, और उसके बाद वहाँ कुछ समय रुकने के उपरांत ये बेंगलोर तरफ गया था, और फिर बेंगलोर से फिर ये जो है उसके बाद जो है ये इंदौर में रह रहा था और जगह बदल बदल के रह रहा था, परंतु हमारे अच्छे स्ट्रांग मूवमेंट थे तो हमको इन्फॉर्मेशन इस संबंध में प्राप्त होने पर यह आगे कार्रवाई की गई। ये बायरोडी भागा था पहले, इनिशियली बता रहा है बायरोडी भागा था, उसके बाद जो है ये अपने मूवमेंट करता रहा ये, और जब जब इसको जो है इस पर दबिश पड़ी तो ये अपना ठिकाना बदलता रहा ये, परंतु इस बार हमारा अच्छा मूवमेंट था तो हमने इसमें अच्छे कार्रवाई। हाँ, इसको वो तो इनिशियली पकड़े गए थे तो इसको जानकारी इनिशियली लगी गई थी उस समय कौन कौन केस में पकड़ा जाए, नहीं इसका इसको सूचना इसके परिवार के लोगों से मिलती रहती थी कि इसमें कौन कौन पकड़ाया जा रहा है, और उस हिसाब से जो है ये सचेत रहता था, परंतु जो है अपराधी चाहे कितना भी चालाक भी ना हो वो हमेशा इस तरह की गलतियां कर ही देता है, इस पर हम लोग जो है पुलिस जो है उसको आगे चल के पकड़ लेते हैं। हाँ, ये अपने इंदौर में जितना टाइम रहा है ये उतने टाइम ये अपने घर भी इसने मूवमेंट किया है, और जो है हमें सभी तरह की सूचनाएं मिल रही हैं। बिल्कुल, एक अपराधी को उसका जो है आश्रय देने वाले लोग और उसको जो है उसके फरार रहने में उसकी मदद करने वाले लोग निश्चित ही आरोपी बनते हैं। नहीं, ऐसा तो हुलिया बदलने का तो इसमें कोई ऐसा तथ्य नहीं है। इंदौर में पुलिस से बेखौफ चैन स्नेचरों का आतंक जारी है। ताजा मामला राजेंद्र नगर पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार बदमाश 2 तोले की सोने की चेन झपट कर फरार हो गए। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है, ताकि चैन स्नेचरों को जल्द गिरफ्तार किया जा सके। कैसरबाग ब्रिज के वहाँ पर विट्ठल रुक्मणी गार्डन है, विट्ठल रुक्मणी गार्डन से लेकर जो रेलवे ब्रिज रेलवे ट्रैक है उसके बीच में एक स्कूटी पे महिलाएं जा रही थी, जिनको पीछे से आके स्नैच करके 2 लोगों ने स्नैच किया है, और जो है उनको जिस तरह का पूरी कार्रवाई रही है अभी जांच जारी है। उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जो बहुत स्पष्ट हैं, अभी चूँकि मास्क वगैरह लगे हुए हैं आइडेंटिफिकेशन किया जा रहा है। कुछ फुटेजेस को मिलाने की कोशिश करी है लेकिन अभी बहुत कुछ मैच एक दूसरे का नहीं हो रहा है, संभवतः ये अलग अलग लोग हो सकते हैं, संभवतः ये एक जैसे हो सकते हैं, ये उनके पकड़ के आने के बाद ही पूछताछ को समझना है।